मतलब जरा थोड़ा डे आउट बिता के आते हैं भाई, किसके साथ? मुस्कान में रौनक की मॉम जो है ना, जी हाँ, यानी कि मुनमुन के साथ थोड़ा और बेहतर जानकर आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मून बैनर्जी है और जैसे आप लोग जानते हैं मैं मुस्कान सीरियल में रौनक की मॉम का रोल प्ले कर रही हूँ, गायत्री देवी का। रौनक तो बहुत बड़ा है, ये आप मेरे छोटे से बेटे से मिलिए। हेलो। हेलो। इनका नाम रुमीर शर्मा है और ये मुझे तैनात रखते हैं, यू नो, हर चीज़ में। तो आज मेरा बहुत जल्दी पैकअप हो गया है और आज संडे है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस दिन जल्दी पैकअप होता है और वो संडे होता है, बच्चे घर पे होते हैं, बच्चा घर पे होता है, तो क्या क्या होता है। तो जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती हूँ, बिस्किट नहीं, अभी खाना खाओगे आप? नहीं, नो बिस्किट। इनको मौका चाहिए बिस्किट और चॉकलेट के लिए। तो आते ही मेरी मॉमी ड्यूटी शुरू हो जाती है और स्पेशली जब मैं लंच आवर पे वापस आती हूँ तो ये प्रेफर करता है कि मैं खुद इसका खाना परोसूँ और इसको अपने हाथ से खिलाऊँ, जो कि इसको मौका नहीं मिलता और मुझे भी नहीं मिलता। तो आइए हमारे लंच टाइम की एक सैर कराते हैं। मेरे पहला शो जो एज अ मदर मैंने किया था मैटरनिटी ब्रेक के बाद, माँ बनने के बाद, वो था एक था राजा एक थी रानी। उस शो के बाद इमीजिएटली मैंने कुछ रंग प्यार के किया था, तो मुझे गैप ही नहीं मिला। तो कुछ रंग प्यार से मुस्कान के बीच में मैंने 10 महीने का गैप लिया। 10 महीने मैंने इसके साथ खूब टाइम स्पेंड किया। हाँ, मतलब मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था दैट आई विल स्टार्ट प्लेइंग। मैं माँ के रोल तभी एक्सेप्ट करूँगी जब मैं खुद माँ बन जाऊँगी लाइफ में। सिंपल से घर की एक छोटी सी टूर करवाती हूँ, क्या बोलूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड को प्लांट्स का बहुत शौक है, तो हमने हर एक कॉर्नर में, जैसे यहाँ पे एक कॉर्नर में प्लांट्स और पिक्चर्स हमारे फेवरेट हैं, तो ये दिस वर्क्स एज अ स्टोरेज एंड वी कैन सिट, एंड जब बहुत लोग होते हैं तो दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर। इस कॉर्नर में भी आपको प्लांट दिखाई देगा। और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुद्धाज, सो आई यू नो एंड अप, मुझे बुद्धा गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको बुद्धा, गणेशा, आउल मुझे बहुत पसंद है, इट्स समथिंग डिफरेंट, तो मैं आउल्स भी बहुत कलेक्ट करती हूँ। तो फैनमैन साफ करना हो तो ये काम आ जाता। तो ये एक चेयर भी हो गया और एक स्टेयर भी हो गया, ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये हम दोनों का बहुत फेवरेट है, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ये सारे पिक्चर्स सारे माय हस्बैंड हैज टेकन, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी आल्सो। तो कैमरा हाथ में आ जाए तो वो कैंडिड खींचते रहते हैं, तो एक्टर को और क्या चाहिए, यू नो, कोई खींचता रहा फोटो और मैं पोज करती रहूँ।
अब मैं आपको मेरे सबसे फेवरेट जगह पे लेके जाती हूँ। ये मेरा अड्डा है अर्ली मॉर्निंग चाय, और लेट इवनिंग अगर मेरे फ्रेंड्स आए तो उनके साथ बैठ के चाय पीने का मेरा ये एरिया है। दिस इज़ माई बालकनी। धीरे धीरे वीव स्टार्टेड पुटिंग जो प्लांट्स पुराने, ये हमने, ये मिंट है, ये मिंट आए हैं, ये भी मिंट है। एक चीज़ पता चली है कि मिंट जो है वो बहुत फास्ट उगती है, तो थोड़ा सा आप दाना या कुछ डाल दो तो फट 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 वो उगने लग जाता है। तो ये एक मिंट है। नाउ अभी मैं आपको ये वाले रूम में लेके जाऊंगी जहाँ पे मैं बैठ के घंटों चांट करती हूँ। मेरे कलकत्ता में होम टाउन में एक लड़की है जो काम करती थी, छोटी थी, वो अब बड़ी हो गई है, शादी हो गई है। तो उसके जो हस्बैंड है, उन्होंने मुझे जब पहली बार मुझसे मिले थे 10 साल पहले, तब उन्होंने ये अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये मेरे मेंटर हैं, मैं निचरन दर्शन एंड बुद्धिज़्म फॉलो करती हूँ। तो ये बहुत सुंदर सा कारपेट है। कहते हैं कि अगर आप रियल कारपेट या किसी भी रियल चीज़ को बिछाकर कोई भी चीज़ मेडिटेशन कर रहे हो या चांट कर रहे हो, तो आपकी जो वाइब्रेशन और एनर्जी रहती है वो ऐसे निकल नहीं जाती है, वो उसी में आपके अंदर ही रहती है। ये है मेरे बेटे का कमरा, और इनसे आप मिल चुके हैं, लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड हैं इनसे आप नहीं मिले। इनका नाम है नीरज शर्मा। से हाय। हेलो। नो नो, माय वाइफ इज अ वेरी पर्टिकुलर, हिंदी बहुत सफाई पसंद लड़की हैं ये, और हर चीज बहुत प्यार से और देख देख के और शर्मा शर्मा के करती हैं। अब चाय का टाइम हो गया है, मेरे हाथ की चाय पीजिए आप लोग। मैं चाय बनाती हूँ बहुत बढ़िया। बॉर्न इन कलकत्ता, और आधी स्कूल जो है मेरी एक शहर है जमशेदपुर, इफ़ यू हर्ड ऑफ। अभी तो बहुत फेमस हो गया बिकॉज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ से आए हैं, तो अभी जमशेदपुर के बारे में लोग जानते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड टाटा नगर। तो मेरी नानी के पास मैंने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, उसके बाद फिर नानी के डेथ के बाद मैं मम्मी पापा के पास यहाँ वापस आ गई, और आधी स्कूलिंग और कॉलेज बॉम्बे में की। स्कूलिंग करते करते मुझे एक शो मिल गया था, आई वॉज अराउंड 14 एंड हाफ टाइप, कॉल्ड कैंपस। मैंने बताया आपको मुझे सिंपल अच्छा लगता है, खुला खुला। तो मेरे रूम में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैंने ड्रेसिंग टेबल भी नहीं रखी है बिकॉज वो सब दूसरे जगहों पर हो जाता है। मैंने ऐसी शादी नहीं की थी, बहुत गुनिया आदमी देखा था इसलिए शादी की। तो ये बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और गाना भी गाते हैं।
तो ऐसा होता है मेरा दिन जब मैं शूटिंग से जल्दी आ जाती हूँ मेरे घर में मेरे परिवार वालों के साथ. आई होप आपको मेरे घर की और मेरे पर्सनल लाइफ की छोटी सी झलकी देख के अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. ABP News, आपको रखे आगे.